ओके सो हॉल स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी बेल्स। और मेरा नाम है शालिनी एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो आज की जो हॉल है वो है हमारी मिशू हॉल, जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हॉल होती है। एंड ऑलवेज जब भी मैं कोई मिशू हॉल देखती हूँ तो मुझे लगता है अब क्या अच्छा दिखेगा मिशू में, क्या अच्छा आया है, क्या कौन से नए कलेक्शंस आए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी एक्साइट करती है मिशू में। एंड जब से मिशू की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हुई है तो इट्स ऑलवेज अ फन टू सी अ मिशू हॉल और टू डू अ मिशू हॉल, राइट? सो या सो हमेशा ना जब भी आप कुछ शॉपिंग करते हो तो मिशू ना एक सरप्राइज सा होता है यार, कैसा आएगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, जैसा पिक्चर में था वैसा होगा या नहीं होगा, बिकॉज मिशू में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं। सो इस बार जो मिशू की शॉपिंग मैंने करी है ना उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया था ना सेम प्रोडक्ट मुझे आया है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ जिसको देख के ना यू गोइंग टू बी अमेज कि ये मिशू से आया है और सिर्फ इतने प्राइस में आया है। तो प्राइस मुझे सबके याद नहीं है तो मैं स्क्रीन पर ही लगा दूंगी कितने में कौन सा है। सो दिस इज द फर्स्ट सूट यू कैन सी। सबसे पहले तो इसका नेक का डिज़ाइन आप देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये इस तरीके की डोरी है जो बन जाती है एंड यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा लुक देगा ये बनने के बाद। स्लीव्स जो है 3/4 तो नहीं है बट हाँ लॉन्ग स्लीव्स हैं। एंड ये पूरा अनारकली तो आप नहीं कहोगे, ए लाइन कह सकते हो, बट ठीक है, घेरा ठीक ठाक है, मतलब अच्छा लग रहा था इस पैटर्न में। इसके साथ ये पैंट आई है जो नॉर्मल सेम कलर की सॉलिड पैंट है जिसका फैब्रिक इज़ वेरी नाइस। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, समर फ्रेंडली है। एंड इस तरीके के ना आगे ऐसे कॉइन्स से बने हुए हैं और ये प्लेन जो दिया है। सो ये आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, आप ट्राई ऑन में देखो आपको लुक समझ में आएगा कितना प्यारा लुक है, इसका कलर कितना प्यारा है। एंड इसके साथ दुपट्टा भी है जो शायद मैं साथ में रखना भूल गई हूँ। सो प्लेन दुपट्टा है, उस पर गोटा पट्टी का पूरा लेस दिया हुआ है चारों तरफ एंड दिस साइज इज एस और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आया है एंड आई रियली लाइक दिस सूट। मतलब आप छोटे मोटे फंक्शंस में ना बहुत आराम से पहन सकते हो और आप क्या लगने वाले हो, और स्पेशली जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ ना उन पर ये कलर बहुत अच्छा जाएगा, जो उनका जैसे लुक होता है ना चूड़ा सिंदूर एवरीथिंग, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड आई रियली लाइक्ड इट। जब मैं इसको ले रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा वो था कि यार ये पिक्चर में जैसा दिखाया है वैसा होगा या नहीं, बट जब मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, पिक्चर नीचे देखा तो मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है। सो आई बॉट इट एंड आई रियली हैप्पी। बहुत ज़्यादा प्यारा है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा। ओके सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो मुझे इस हॉल में सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, जस्ट बिकॉज कि वो ऐसी ड्रेस है ना जो हर कोई भी पहन लेगा, उसको किसी भी एज में पहन लेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। सो दिस इज द ड्रेस टेंशन। आप देखो पहले ऊपर से नीचे तक इस ड्रेस को, और ये नीचे इस तरीके से फ्रिल से बने हुए हैं इसमें। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो ये रेड दिया है इस ब्लू के साथ, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड दिस इज़ द पफ स्लीव्स जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये रेड बटन्स दिए हुए हैं जो नीचे से, ये शायद खुल नहीं सकते, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए दिए हैं। हाँ सो ये स्टेज नहीं है, खुल नहीं सकते, सिर्फ डिज़ाइन के लिए है। और आप इसका ट्राई ऑन देखो, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसमें भी मेरा साइज़ ऐसे और बहुत अच्छे से मेरी बॉडी को इसने हग कर लिया, बहुत प्यारा फिटिंग आया। अगर मैं इससे एक भी नीचे या एक से ऊपर लेती तो अच्छा फिटिंग नहीं आता। एंड आई रियली अमेज्ड कि ये बिल्कुल सेम है जैसा पिक्चर में दिखाया था। एंड बहुत अच्छी ड्रेस है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, आप इसको ऑफिस भी पहन के जा सकते हो, कॉलेज जाते हो कॉलेज भी पहन के जा सकते हो। इस गर्मी में इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको। सो आई रियली लाइक दिस ड्रेस। और अगर आप कोई अच्छी लेंथ की डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस देख रहे हो तो दिस इज़ द ड्रेस यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो यू कैन बाय फ्रॉम दैट लिंक। आप डायरेक्टली उस लिंक पर जाके उसको खरीद सकते हो। ओके सो किसी के भी प्राइसेस मुझे याद नहीं है तो मैं सारा आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। सो जो नेक्स्ट कुर्ती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ टू शॉर्ट कुर्ती। एंड इसका कलर आप देखो कितना प्यारा पर्पल लेवेंडर कलर है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसा दिख रहा है ना आपको पिक्चर में लग रहा होगा कि फैब्रिक होगा, ये वैसा ही फैब्रिक है। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं,
कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेवेंडर कलर है एंड ऐसे कलर बहुत मतलब रेयरली मिलते हैं। एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, जीन्स के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल हैं जो उनको थोड़ा सा एंडो वेस्टर्न लुक और अच्छा लगता है, तो ये कुर्ती वो फटाफट से ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। एंड इसमें मैंने साइज़ एम लिया है क्योंकि शॉर्ट कुर्ती मुझे थोड़ी सी फ्लोई फ्लोई सी अच्छी लगती है, लूज लूज सी, तो इसलिए। सो आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। तो ये कुर्ती तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन ब्लेंड है बट थिक कपड़ा है, तो ये धुलने के बाद बिल्कुल भी वैसा नहीं हो जाएगा, मतलब पोछा सा नहीं बन जाएगा, तो ये अच्छा है। मतलब इसका फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, जीन्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और हर इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल्सो आई लाइक। मतलब इस हॉल में मैं आपको कोई भी एक ऐसा किसी भी कपड़े के बारे में ये नहीं बोलने वाली कि आप ये नहीं लो, बिकॉज जो पिक्चर में दिखाया है ना वही आया है इस बार लिटरली। सो ओके, सो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना, वो बहुत दिनों से मैं मीशो में देखती थी, बहुत बार मैंने विश लिस्ट भी किया, बहुत बार मैंने ऐड टू कार्ट भी किया, बट मैंने कभी लिया नहीं। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये पिक्चर में जैसा दिखा रहे हैं वैसा आएगा या नहीं। सो डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही आया है और आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा। सो दिस इज द कॉर्ड सेट, आप कह लो कॉर्ड सेट ही है ये, एक तरीके का ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके के कॉलर नेक में आता है, इस तरीके का पूरा वाइट थ्रेड से पूरा काम किया हुआ है इसमें। एंड स्लीव्स लॉन्ग, मतलब 3/4 तो नहीं है बट हाँ लॉन्ग स्लीव्स हैं। एंड सेम आपको प्लाजो मिल रहा है इसमें सेम लेंथ का। एंड इसमें जो मेरा साइज़ है दैट इज़ एम, मैंने एम लिया है एंड मुझे अच्छे से आया है। एंड आप लुक देख लो, ऑफिस के लिए ना परफेक्ट है एंड आप बॉस लेडी लगने वाले हो इसमें लिटरली। सो बहुत ज़्यादा मतलब ऑफिस लुक ही आप इसको कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, मीटिंग वगैरह में भी आप कैरी कर सकते हो बहुत अच्छे से। एंड फैब्रिक तो कॉटन है ही, बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये थ्रेड वाली चीज़ होती है ना, ये कहीं भी लग जाए तो पूरा थ्रेड निकल जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको बचा के रखना है। जैसे अगर नाखून भी आपके थोड़े से कभी कभी ऊपर नीचे से हो जाते हैं ना खाना बनाने काम करने में, तो वो उसमें भी फंस जाता है, बिकॉज मैंने इस फैब्रिक का मिंत्रा से कॉर्ड सेट मंगाया था एंड वो पूरा ख़राब हो गया इस चक्कर में, तो इसको बहुत संभल के यूज़ करना पड़ेगा। बट इसका क्वालिटी मुझे अच्छा लग रहा है, इतनी आसानी से इसके थ्रेड निकल नहीं रहे, सो मे बी क्वालिटी क्वालिटी पर डिपेंड करता होगा। सो या दिस वॉज माई फोर्थ बाय जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओके, सो जो फिफ्थ कुर्ती है ना, आप देखो पहले इसको, आप ये वाइट कलर की है, इसमें ब्लू और ग्रीन जो स्टील ग्रीन कलर होता है ना उसका प्रिंट है। दिखने में आपको सिंपल सी लगेगी बट पहन के बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी जीन्स के साथ लिटरली। एंड पता नहीं क्यों आजकल मुझे वाइट कलर इतना ज़्यादा पसंद है ना, किसी भी कपड़े के बेस में अगर वाइट कलर आ जाता है तो मुझे पता नहीं क्यों क्या ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें मेरा साइज़ एम है एंड लिटरली आप ट्राई ऑन में देखो ये जीन्स के साथ कितना अच्छा लग रहा था। इट्स अ ये कॉटन का है और बहुत ज़्यादा प्यारा, ये उतना सी थ्रू नहीं है बट इफ़ यू कैन वेयर अ इनर यू कैन, बट आप नहीं भी पहनोगे तो चल जाएगा। सुल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सेम ही आपका पूरा सेम ही प्रिंट है स्लीव्स में हर जगह पर एंड जीन्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल कुर्ती, तो आप फटाफट से ना इसको ले लेना अगर आपको दिखेगी तो, ऑफिस एंड कॉलेज दोनों के लिए परफेक्ट है। जो नेक्स्ट कुर्ती है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, समर फ्रेंडली है। सो दिस इज़ द कुर्ती, आप देखो स्ट्रेट कुर्ती है, बहुत लॉन्ग कुर्ती है, इसमें मेरा साइज़ एस है, तब भी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। 3/4 स्लीव्स हैं, इस तरीके की गोटा पट्टी दी हुई है एंड इट वाज लुकिंग वेरी ऑसम विथ जीन्स। आप इसको वाइट प्लाजो वाइट पैंट किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसमें ना नेक पे इस तरीके की गोटा पट्टी की हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट लग रहा है ये वाइट के ऊपर, पिंक पिंक सा ना, लाइट पिंक डार्क पिंक, एंड पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ कपड़े ना देख के आपको बहुत सिंपल लगते हैं बट जब पहन के वो आपको लुक देते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है। सो सेम इन कुर्तियों के साथ है, ये देखने में तो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं बट पहन के आप ट्राई ऑन में देखना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो या सो आई विल रिकमेंड इट। मतलब इस बार मीशो से जो कपड़े आए हैं ना उनका फैब्रिक, एक तो सबका फैब्रिक इतना प्यारा है, स्पेशली समर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड उनका डिज़ाइन उनका साइज़ वगैरह सब कुछ मुझे इतने अच्छे से आया है, आई कैन टेल यू एनीथिंग।
थक गई मैं बोलते बोलते. ओके सो जो नेक्स्ट कुर्ती है दैट इज टू ब्लू कलर की. अब देखो बहुत प्यारा कलर है ये, बहुत सुंदर लगता है. इसमें इस तरीके की कढ़ाई की हुई है एंड स्लीव्स इसकी काफ़ी लंबी हैं. इसमें मेरा साइज़ एम है इसलिए थोड़ी लंबी चौड़ी सी लग रही है. एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है. ये भी जीन्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. ये ऐसा है ना कि आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप पहन सकते हो. और ये जो धारी सी दी है ना ये चुभ नहीं रही थी. किसी किसी कपड़ों में ये चुभता है बट इसमें ये चुभ नहीं रहा था बिल्कुल भी. एंड आई रियली लाइक दिस कुर्ती, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी. एक्चुअली बात ये है कि इस बार जो मैंने पिक्चर में देखा है ना बिल्कुल सेम आया है. कलर भी सेम, डिज़ाइन भी सेम, एवरीथिंग इज सेम. तो मेरे ये हॉल तो बेस्ट हॉल है, मतलब मीशो का बेस्ट हॉल मैं कहूँगी. बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े आए हैं. क्योंकि जो भी आपको पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको मुझ पे कौन सा सबसे अच्छा लगा और कौन सा यू आर गोइंग टू बाय. जो आपको खुद में खुद के लिए चाहिए वो भी कमेंट करके बताना कि आप कौन सा खरीदने जा रहे हो. तो यार प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को प्लीज़. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे हॉल लाती रहूँगी. आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस मुझे. सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.